नमस्कार दोस्तों, आरजेजी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले एलडीसी मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन। आपने कई और भी मतलब मैथ्स सॉल्यूशन के आपने वीडियो देखे होंगे, उनमें आपको क्या किया है कि सारे ऑप्शन बता दिए कि भाई इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन है और ये इसका आंसर है। पर हम जो आज इसका सॉल्यूशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन लेंगे और पेपर पर चर्चा करेंगे कि भाई किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चन आ रहे, कौन सा क्वेश्चन ट्रिक से हो रहा, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से हो रहा और कौन सा क्वेश्चन हम मेथड से कर रहे हैं या ट्रिक्स कंसेप्ट से कर रहे हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं। देखो, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एडवांस मैथ जो है ना भाई, हमारे एलडीसी के पेपर में एडवांस मैथ के 33 क्वेश्चन आए। कितने? 33 क्वेश्चन। तो एक बात बता दूं कि एडवांस मैथ इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत एक बार पढ़ के जाना, ताकि क्या हर कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, ताकि क्या क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको याद रहे। क्वेश्चन आते हैं, आप कंसेप्ट को कैचअप करोगे तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। दूसरी बात, अर्थमेटिक थे, अर्थमेटिक अंकगणित के हमारे 14 क्वेश्चन मिले हैं, उसमें ट्रिक्स हो रहे थे, ये ट्रिक्स है और ऑप्शन से टूटने वाले क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। और स्टैटिक्स के भी 3 क्वेश्चन आए, जो क्या है कि मतलब अगर किसी को टेंथ में, अगर किसी ने टेंथ में पढ़ रखी है स्टैटिक्स, तो वो आराम से कर जाएगा इन क्वेश्चन को, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इनमें। पर मेन चीज़ था कि एडवांस का क्या करें सर, तो उस एडवांस के क्वेश्चन को आज आपको कंसेप्ट पे बताएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे ऑप्शन से होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें अच्छी अच्छी ट्रिकें लगती है। ज्योमेट्री के अच्छे से क्वेश्चन आए थे तो उनमें आपको सीधी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको कि कैसे ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करें और कैसे उनमें नए नए क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं आने वाले सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा एडवांस मैथ का पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये था कि भाई उसमें कहा था कि एक शंकु है। क्या है? एक शंकु। और उस शंकु की रेडियस और हाइट, रेडियस और हाइट का अनुपात दे रखा था 1:3, ये चीज दे रखी थी। और कहा था कि जो इसका आयतन है, जो इसका आयतन है शंकु का, वो 1078 है, 1078 है। देन हमसे क्या पूछा था कि भाई 1078 सेंटीमीटर क्यूब है, हमसे पूछा था कि भाई जो शंकु है तो शंकु के अंदर हमें बतानी है रेडियस बता दो, या क्या कहा था हाइट बता दो, दोनों में से कोई एक चीज बता दो, दोनों में से कोई एक चीज पूछी थी। तो इस क्वेश्चन को तोड़ना कैसे, देखो जो शंकु का क्या होता है कि आयतन जो होता है ना, शंकु का आयतन वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये जो होता है ये बेलन के आयतन का 1/3 होता है। देखो हमारा क्षेत्रमिति का पोर्शन चल रहा है अभी, तो उसके अंदर हम अभी 2D कर रहे हैं, आने वाले 1-2 दिनों के अंदर हम उसमें 3D करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि इन सूत्रों को आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। एक भी सूत्र आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको हर सूत्र का एक कंसेप्ट दूंगा मैं, सिर्फ उसी कंसेप्ट पर आपको चलना और हर आप सूत्र कर जाओगे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसका मान कितना दे रखा है भाइयों, 1078 यानी 1078। अब देखो कि यहाँ पे भाई पाई है, आर है, आर और पाई का, आर और एच का अनुपात कितना दे रखा, 1:3। मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी अनुपात में कोई संख्या दे रखी हो उसको किसी चर से गुणा कर दिया जाए तो वो एक नंबर में बदल जाता है। जैसे मैंने इसको x से गुणा कर दिया तो क्या बना, x/3x, तो संख्या क्या बन गई, x/3x, यानी ये हमारा आर है, ये एच है, तो ये रख देता हूँ आर का मान, तो 1/3 पाई एक्स का स्क्वायर इंटू 3h, यानी 3h यानी 3x, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, 1/3 ये बराबर किसके, 1078 के। जब आप इसको यहाँ से काटोगे, 3 से 3 कट जाएगा, पाई का मान कितना होता है 22/7, 22 से ये कटेगा कितनी बार, 1000 नहीं 49 बार कटेगा, और यहाँ पे आपके बच जाएगा कि एक्स क्यूब बराबर 49×7, ये चीज बचेगी। तो यहाँ पे क्यूब करोगे तो एक्स का मान 7 आ जाएगा, जो कि हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7, और अगर हाइट पूछ लेता तो 7 यानी 3x/7 यानी हो गए 21 सेंटीमीटर। चलते हैं, लेते अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन में था कि गोलों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है जो 4:9 है, तो आयतनों का अनुपात बताइए। भाई वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि R1 का स्क्वायर / R2 का स्क्वायर, दो गोल है तो R1 का स्क्वायर / R2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि आगे वाली जो कॉन्स्टेंट पद है वो कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, R1 स्क्वायर / R2 स्क्वायर = 4/9, दोनों तरफ वर्गमूल करोगे तो R1 और R2 का क्या रेशियो आ जाएगा, 2/3। अब मुझे बताओ आयतनों, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब, ये 1 के लिए, अगर 2 के लिए बात करें तो 4/3 पाई आर 2 का क्यूब।
अब देखो यहाँ से कांस्टेंट पद तो कट रहे हैं, तो कुल मिला के जो हमारा क्या बना है कि आर वन और आर टू का क्या कर दो सर जी, क्यूब कर दो, आर वन और आर टू का क्यूब कर दो, वो इनके आयतनों का अनुपात होगा। इसका क्यूब करोगे तो 8:3 का क्यूब करोगे 27, तो इसका आंसर हो जाएगा 8:27। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि दो घन दे रखे थे, क्या दे रखे थे, दो घन, ठीक है, जिनमें प्रत्येक का जो आयतन था वॉल्यूम था वो था 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें क्या पूछा था कि इन दोनों घनों को जोड़कर क्या बना दिया उन्होंने, घनाभ बना दिया, इन दोनों घनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो एक घनाभ बना दिया। तो मुझे बताओ घन का वॉल्यूम कितना होता है, कि भाई भुजा का क्यूब क्या होता है, घन का वॉल्यूम होता है, वो कितना दे रखा है, 64। तो यहाँ से भुजा हमारी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, है ना दोस्तों। अब 4 भुजा आ गई, तो पहले की भी 4 और दूसरे की भी 4 थे, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 8। ये तो हो गई इसकी लंबाई 8, इसकी जो चौड़ाई ब्रेथ की बात करें, इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी, 4, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 4। देन अगर कहा है कि घनाभ का आयतन इससे बनने वाले, इनको इसने कहा है कि दोनों घनों से बनने वाले घनाभ का आयतन बताए, तो घनाभ का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 2 LB + BH + HL। देन आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम हमारा आ जाएगा 2 + 32 + 4 × 4 = 16 + 32। देन ये कितना हुआ, 64 और 16, 80, 80 × 2 वॉल्यूम कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या हुआ था कि जो चौथा क्वेश्चन था हमारा था, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन हमसे पूछा क्या था, घन की भुजा बताएं। तो भाई इसको कैसे करेंगे कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर, वो कितना दे रखा है 1014, 6 से काटेंगे इसको तो 6 × 6, पीछे बचे कितने 4, तो 6 × 36, पीछे बचे 5, तो 6 × 9 = 54। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का मान कितना आ गया हमारे, 169। अब देखो इसका रूट करते हैं तो ए बराबर 13 सेंटीमीटर आएगा, जो कि उस घन की क्या है, भुजा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में क्या हुआ कि ये क्वेश्चन हमने जो क्षेत्रमिति की थी उसका वर्त वाला जो हमारा वीडियो है उस वीडियो में से इस क्वेश्चन को रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे मैंने 44 लिया था और यहाँ पे 105 दिया हुआ है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो ये उससे निकला हुआ सवाल आ गया है कि वर्त का व्यास उसकी परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है, तो वर्त की त्रिज्या बताइए। अब जब वर्त का व्यास कितना है, डी है, और उसकी परिधि से कितना कम है, कि भाई 105, यानी परिधि से कम है, तो ये परिधि में से घटा लेते हैं, परिधि कितनी होती है, 2πr, और डी का अर्थ क्या होता है, त्रिज्या का क्या होता है, दुगना, त्रिज्या का दुगना। देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2r, इनका अंतर कितना है, 105। बस बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको कैलकुलेट करोगे आप तो r का मान आएगा 49/2, क्योंकि देखो यहाँ पे 22 और यहाँ पे क्या बनेगा कि 2r कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा π-1, और π-1 का मान होता है 15/7, और यहाँ पे 2r है हमारे, 2r = 105। देन यहाँ से आप काटोगे इसको तो ये कितनी बार कटा, 7 बार, तो r का मान कितना आ जाएगा, 49/2, यानी 24.5 सेंटीमीटर जो होगा हमारी वर्त की त्रिज्या होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जो अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन था वो क्या था, एडवांस मैथ का क्वेश्चन है ये, और हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछा था इसने कि एक व्यक्ति है जो 1.5 मीटर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है 1.5 मीटर से वो एक मंजिल को देखता है जिसकी ऊंचाई 22 मीटर करीबन दे रखी थी, और उसमें कहा था कोई उससे 20.5 दूरी पर क्या है, खड़ा है, वो यहाँ पर खड़ा है, जो भी मतलब ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर खड़ा है। इसने कहा कि भाई यहाँ से इसका उन्नयन कोण बताइए, यानी इसकी नजर से इसका उन्नयन कोण, इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण बताइए। तो देखो यार ये 20.5 है, जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस यहाँ पे भी होगी, क्योंकि हम सीधे खड़े हैं, जितनी नीचे से हम दूर है उतने ऊपर से दूर होंगे, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 20.5। देन देखो ये 1.5 मीटर लंबा है, यहाँ से 1.5 मीटर लंबा, तो ये 1.5 मीटर हो गई, तो ये कितनी बची, 22 - 1.5 करोगे तो 20.5। अब एक इसमें सिस्टम चलता है जो हाइट एंड डिस्टेंस, जब भी मैं पढ़ूंगा आपको तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसमें आपको कुछ पढ़ने की क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत है और कोई चीज रटने की जरूरत नहीं आपको। तो यहाँ से देखो ये एंगल कितना हो जाएगा 45, और यहाँ पे ये एंगल 45 हो जाए, और ये कितना हो जाए 90। तब क्या होता है, जो ये भुजा होती है ये भुजा, ये आपस में बराबर होती है, और कितनी होती है 1√2 का रिलेशन होता है। तो यहाँ से देखो ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो यहाँ का जो कोण होगा वो 45 डिग्री का होगा। आगे चलते अगला क्वेश्चन लेते हैं हम इसी प्रकार। देखो जो अगला क्वेश्चन था उसमें था कि 50 डिग्री का रेडियन में मान परिवर्तित कीजिए। मैंने त्रिकोणमिति पढ़ी थी, उसमें रेडियन पाई का जो हमारा वीडियो आया था उसी वीडियो में हमने यहाँ पे 50, 60, 45 पे लेके हमने कुछ चीजें बताई थी, तो उससे रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में,
तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप त्रिकोणमिति का एक बार जो शुरू के लेक्चर है रेडियन वाला तो खास कर देख के जाए, एक क्वेश्चन हो सकता है उसमें से वापस आ जाए। तो चलते हैं, 50 डिग्री का रेडियन में परिवर्तित कीजिए। मैंने बताया था डिग्री को जब रेडियन में परिवर्तित करते हैं तो क्या करते हैं कि भाई पाई बटे 180 से सर जी गुणा कर दो, तो इससे इसको गुणा करेंगे 50 डिग्री को तो बनेगा 5 पाई बटे 18 जो होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। जो आठवां क्वेश्चन था हमारा वो इस प्रकार था कि भाई उसने कहा था कि एक बेलन है, आठवां क्वेश्चन है, उसमें कहा था उस बेलन की जो त्रिज्या है वो 7 है, हाइट जो है उसकी 10 है, हाइट उसकी 10 है, और उसने पूछा था कि भाई इसका वॉल्यूम जो है बताइए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी वर्त की रेडियस 7 आ जाए, मैंने बताया था 7 आ जाए रेडियस, तो उसके लिए क्या 44 परिधि हो जाती है और 154 क्या हो जाता है क्षेत्रफल। बस ये ट्रिक आपको याद रखनी थी, क्या करनी थी, सिर्फ ये ट्रिक आपको याद रखनी थी। इससे क्या होगा कि भाई देखो वॉल्यूम याद करना, बेलन का वॉल्यूम कितना होता है कि पाई आर स्क्वायर एच सर जी इसका वॉल्यूम होता है। तो देखो पाई आर स्क्वायर ये क्या है, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट हो रही है, तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 154 और इसकी हाइट कितनी है इंटू 10, देन हमारा सीधा ऑप्शन 154 जीरो। जिसने हमारे वर्त वाले वीडियो को देखा है या जिसको कंसेप्ट पता है वो बंदा इस क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड के अंदर करेक्ट कर जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाइयों, जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 था वो क्वेश्चन इस प्रकार था कि एक घड़ी दीवार घड़ी थी, उसका अंकित मूल्य जो है, उसका क्रय मूल्य जो है मैं 380 रुपये दे रखा था और कहा था कि भाई उसका डिस्काउंट परसेंटेज 5% है एंड जो उसका प्रॉफिट परसेंटेज या कह सकते हैं लाभ परसेंट वो 25% है। तो बताना हमें कि जो इसकी मार्केटिंग प्राइस MRP वो है कितनी है। तो देखो इसमें काफ़ी ट्रिकें लगती है और ये बाई ऑप्शन भी आप हिट कर सकते हो, पर आपको एक बेसिक कंसेप्ट से बनी हुई ट्रिक बताता हूँ कि जब भी ऐसा आपको दिख जाए डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज आपके हाथ में हो तो जो CP होती है, CP और MP का जो रेशियो आता है ना वो कुछ इस प्रकार आता है कि भाई CP 100 में से क्या कर दो आप, डिस्काउंट परसेंटेज घटा दो। ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ये जो ट्रिक है अर्थमेटिक की अच्छी ट्रिक है, कंसेप्ट से बनाई गई ट्रिक है ताकि ये कभी फेल नहीं होगी। ये क्या होगा, 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज घटा दो और प्रॉफिट परसेंटेज 100 में जोड़ दो तो ये आपकी MP का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, MP और CP का रेशियो आ जाएगा। देन यहाँ से 100 में से 5 गए तो क्या बचे 95 अनुपात, यहाँ पे 100 में 25 जुड़े तो 125, देन कटा तो क्या बना 19 अनुपात, कितना बने 25। भाई देखो 19 क्या हमारी CP है, CP कितनी दे रखी है रियल में 380 रुपये, ये CP हमारी 380 रुपये दे रखी है तो ये कितने यूनिट के बराबर है भाई, कितने गुना हो रहा है कि सर जी 20 गुना हो रहा है, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा 20 गुना। इस क्वेश्चन को आप बगैर पेन के कर सकते हो तो ये कितना हो जाएगा 500 रुपये जो होगा हमारी MP आएगी। इस क्वेश्चन को आप बगैर पेन लगाए कर सकते हो। चलते अगला। देखिए भाइयों, जो अगला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज से निकला गया क्वेश्चन था, निकाला गया। देखो उस क्वेश्चन में क्या था, नरेंद्र था, उसने क्या किया कि 20,000 रुपये 8% दर से, और एक था कि भाई पहली रेट तो थी 8% और दूसरी रेट थी 4/3%, और उसने कहा कि फाइनली उसे जो वर्ष के अंत में है तो 800 रुपये उसे ब्याज मिला। तो उसने पूछा कि जो 8% वाली रेट थी उस पर कितना ब्याज दिया गया, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। एज हम एलिगेशन भी लगा कि इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो एलिगेशन से बताता हूँ कैसे होगा कि भाई 20,000 रुपये 800 रुपये उसको क्या मिला, ब्याज मिला, 800 रुपये का ब्याज 20,000 पर मिला, तो उसकी रेट ऑफ परसेंट एवरेज कितनी रही भाई कि 0 से 0 कटे सर जी, 2 0 से 2 0, 2 से कटा 4 बार, तो 4% थी जो उसकी एवरेज रेट थी। देन एलिगेशन लगाते हैं तो एलिगेशन लगेगा तब कुछ ऐसा होगा यह क्वेश्चन कि भाई 4% यहाँ पे आ गया, ये 8% पे कुछ रुपए थे हमारे और ये 4/3 पर कुछ रुपए थे, तो भाई यहाँ से एलिगेशन लगा 8 में से 4 गए, बचा कितना भाई कि 4, और यहाँ से क्या बना कि 4/3 में से 4% गए या इसमें से ये गया तो क्या बनेगा हमारे कि भाई 3, 12 में से 4 गए 8/3 सर जी बनेगा। तो इन दोनों का अनुपात जो होगा, राशियों का अनुपात होगा, कितनी कितनी राशि लगाई गई, तो 4 से कटा 2 बार, देन हमारा अनुपात क्या आ जाएगा 2:3 जो होगा हमारा राशियों का अनुपात आया। उसने कहा था 8% पर कितनी राशि है, तो मुझे बताओ भाई 2:3 टोटल कितने है, ये 5 5 5 नहीं आपके कितने है 20,000, कितने गुना हो रहे सर जी के, सर जी ये तो हो गए 4 और ये हो गए आपके 4,000 गुना हो रहा है सर जी, तो बताइए कि भाई इसने इस पर कितना धन लगाया, तो हम क्या करेंगे इनटू 4,000 कर देंगे, तो 8,000 रुपये जो होगा 8% वाली रेट पर लगाया गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार। देखिए भाइयों, जो अगला क्वेश्चन था उसमें क्या था हमारे कि टोनू मोनू और सोनू टोटली क्या करते हैं 6,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, और उसने कहा था कंडीशन क्या दी थी कि जो मोनू है टोनू से 10% ज्यादा, टोनू से क्या कर रहा है 10% ज्यादा, तो ये अगर 100 है तो ये कितना 110, और इसने कहा सोनू से 10% कम
काटना पड़ी था।